नमस्कार दोस्तों, आज अनलिस्टेड चैनल में आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूँ मेरे सभी सब्सक्राइबर भाई लोग एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ खास कुछ अलग। तो दोस्तों अगर आप ट्रूकॉलर के विषय में जानते हैं तो आप जानते होंगे उसका काम क्या है। दोस्तों ट्रूकॉलर में अगर हम कोई भी नंबर सर्च करते हैं तो 95% चांस होते हैं कि वो आपका नाम आपको बता देगा, ईमेल एड्रेस भी शो कर देगा। दोस्तों आपको पता है वो किस तरीके से वर्क करती है, अगर आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ले लेती है, साथ ही साथ जो भी कॉन्टैक्ट नंबर सेव होते हैं वो उसकी इन्फॉर्मेशन सारी ट्रूकॉलर ले लेती है। जब आप परमिशन देते हैं, जब आप उसे इंस्टॉल करते हैं, अकाउंट रजिस्टर करते हैं, तो तभी आपसे वो सारी परमिशन ले लेता है ये सारी इन्फॉर्मेशन रिसीव करने की। दोस्तों आप परमिशन सभी दे देते हैं तो ये इस प्रकार से वर्क करते हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी प्राइवेसी सेफ रखें और आप चाहते हैं मेरा कोई भी नंबर अगर सर्च भी करता है ट्रूकॉलर में नहीं आपका नाम शो करना चाहिए, तो इस वीडियो को आप आगे तक देखते रहिए और लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम नॉर्मली जान लेते हैं किस तरीके से अनलिस्ट करें ट्रूकॉलर से अपना नंबर। तो दोस्तों उसके लिए आपका अकाउंट बना हुआ ट्रूकॉलर पे, चलिए मैं यहाँ पे ट्रूकॉलर ओपन कर लेता हूँ यहाँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ओपन कर लिया है मैंने एप्लीकेशन। नीचे आप आएंगे तो दिखेगा सेटिंग्स, तो आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, इसके नीचे ही सबसे लास्ट में प्राइवेसी सेंटर दिख रहा होगा, तो इसमें आपने करना है क्लिक। क्लिक के साथ ही यहाँ पे सबसे लास्ट आप देख पा रहे होंगे डीएक्टिवेट लिखा हुआ आ रहा होगा, तो आपने क्या करना है इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट प्रोसेसिंग जो आपको दिखा रहा है, बाय डीएक्टिवेटिंग योर अकाउंट यू विल बी डिलीट योर प्रोफाइल डाटा, डू यू विश टू कंटिन्यू, यस मेरे को कोई भी डाटा नहीं चाहिए इसका। तो चलिए मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ और यहाँ पे मेरा अकाउंट लॉग आउट हो चुका है, मेरा जो ट्रूकॉलर का अकाउंट था वो लॉग आउट हो चुका है। तो चलिए मेरे को अकाउंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे करना है अनलिस्ट। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा और वो साइट ओपन कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में मैंने खोला हुआ है तो यहाँ पे दिखा देता हूँ जो कि इसका यूआरएल है, आप देख लीजिए एक बार, आप नॉर्मली देखना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप trucaller.com अनलिस्टिंग, तो आप जो कि सर्च कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर अपनी जौन सी कंट्री से आप विजिट बिलोंग करते हैं वो आप क्लिक कर लीजिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया में आप क्लिक कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पे आप कंट्री कोड के साथ आप अपना नंबर एंटर कर देंगे, प्लस भी लगा देता हूँ मैं, प्लस 91, इसके साथ ही मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे नंबर डालने के साथ ही आई एम नॉट रोबोट पे चेक कर देना है और यहाँ पे अनलिस्टिंग फ़ोन नंबर पे क्लिक कर देना है। तो चलिए एक बार आपसे श्योर पूछ रहा है, कंफर्म करना चाह रहा है, और यहाँ पे जो मेरा मोबाइल नंबर है 24 घंटे के अंदर आपका अनलिस्ट हो जाएगा दोस्तों। तो बड़ा ही आसान प्रोसेस था, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ में। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम आज़ाद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।